जिला ऊना मुख्यालय से सटे झलेड़ा स्थित पुलिस लाइन ग्राउंड में पुलिस विभाग की कांस्टेबल की भर्ती को लेकर विभाग ने कमर कस ली है। पुलिस विभाग द्वारा जिला में 5 से 15 जनवरी तक 102 पदों पर कांस्टेबल की भर्ती की जाएगी, जिसके लिए 13,800 से अधिक युवाओं ने आवेदन किया है। एसपी ऊना अर्जित सिंह ठाकुर की अगुवाई में पुलिस अधिकारियों ने भर्ती रैली स्थल का निरीक्षण किया। एसपी ऊना ने बताया कि पुलिस लाइन ग्राउंड में अभ्यर्थियों के फिजिकल टेस्ट किए जाएंगे। गौरतलब है कि इस बार भर्ती प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत इस बार इंटरव्यू नहीं लिए जाएंगे। पुलिस विभाग द्वारा पुलिस लाइन झलेड़ा में शारीरिक मापदंडों के आकलन के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। वहीं एसपी अर्जित सिंह ने कहा कि कुछ लोग इस प्रकार के आयोजनों में अपना फायदा करने के लिए भर्ती रैली में भाग लेने आने वाले युवाओं को बरगला कर पैसे ऐंठने का काम करते हैं। भर्ती रैली के आवेदक ऐसे लोगों से सावधान रहे। यदि कोई व्यक्ति इस तरह से पैसों की मांग करता है तो उसके बारे में फौरन सूचना पुलिस अधिकारियों के साथ साझा करें, ताकि उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जा सके। 5 तारीख से लेकर 15 तारीख तक जिला ऊना के जितने भी 102 सीटें हैं उसके लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें सबसे पहले फिजिकल टेस्ट जो है वो पुलिस लाइन झलेड़ा में किया जाएगा। टोटल एप्लीकेंट्स हमारे पास 13,800 के आसपास आए हैं और उन सभी को हमने जो एडमिट कार्ड हैं वो भेज दिए हैं ऑलरेडी SMS के माध्यम से, जो उनका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एप्लीकेशन भरने के टाइम था उसके ऊपर। सभी कैंडिडेट्स जो हैं 5 तारीख को अपनी डेट के हिसाब से वो SMS और वो मोबाइल फ़ोन लेके आएंगे और यहाँ पे उनकी रजिस्ट्रेशन होगी। जैसा आप सभी को, आप जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उन सभी को मालूम है कि इस बार इंटरव्यू की प्रक्रिया जो है वो भर्ती में नहीं है, केवल फिजिकल कैपेबिलिटी जो टेस्ट होगा और जो रिटन एग्जामिनेशन होगा, सिर्फ दो ही के आधार पे लोगों का चयन किया जाएगा, कैंडिडेट्स का चयन किया जाएगा। यहाँ पे पारदर्शी तरीके से करने के लिए जितना भी हमने इक्विपमेंट यहाँ पे रखा है वो एक स्टैंडर्डाइज्ड इक्विपमेंट है, साथ ही साथ स्पोर्ट्स के कोचेस, प्रोफेशनल डॉक्टर्स, ये सब यहाँ पे जो है मेजरमेंट के लिए और हाइट और रेस और लॉन्ग जंप हाई जंप को मेजर करने के लिए हम प्रेजेंट रहेंगे। जितना भी हमने यहाँ पे मार्किंग्स वगैरह की हैं वो भी एक स्टैंडर्डाइज तरीके से की है, जो एक स्पोर्ट्स के नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से। साथ ही साथ यहाँ पे वीडियो कैमरा के माध्यम से हम सभी जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करेंगे और ड्रोन के माध्यम से CCTV कैमरा के माध्यम से जो है इसकी निगरानी रखी जाएगी। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि 100% इसको ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जाए और जितने भी कैंडिडेट्स आएँ वो अपनी पर्सनल कैपेबिलिटी के ऊपर आएँ। सर, अक्सर देखा जाता है जो कैंडिडेट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं दलालों के चक्कर में फंस जाते हैं, जब दलाल उनको जो है वो सब्ज बाग दिखाते हैं, तो उन लोगों से क्या अपील जो है वो पुलिस की रहेगी? देखिए, हमने ये अक्सर देखा है कि कुछ लोग जो है इस समय का फ़ायदा ये उठाते हैं कि जो बच्चे कैंडिडेट्स जो हमारे यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने आते हैं उनको लालच देते हैं कि किसी तरह की चीटिंग का प्रावधान यहाँ पे करवा सकते हैं या किसी तरह की कोई हेल्प वो करवा सकते हैं। ऐसा कोई भी कैंडिडेट जो है ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ या इसके झांसे में ना आए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति उनको वर्गलाने की कोशिश कर रहा है तो उसकी तुरंत इन्फॉर्मेशन हमको दें ताकि हम इस पर कानूनी कार्रवाई कर सकें। ये काम गैर कानूनी है। अगर कैंडिडेट भी इस चीज़ों में संलिप्त पाया गया तो उनके ऊपर भी ये कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जैसे मैंने कहा, इस बार कोई भी इंटरव्यू की प्रक्रिया पुलिस भर्ती में नहीं है और रिटर्न के दौरान जो व्यवस्थाएं की जाएंगी वो अलग की जाएंगी, बट फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान भी अगर कोई भी चीटिंग के दौरान करता हुआ पाया गया या कोई ऐसा व्यक्ति जो है इस चीज़ में संलिप्त पाया गया तो उन पे सख्त कानूनी कार्रवाई करने के। लाइव टाइम्स टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।